आज हम क्वेश्चन टाइप करेंगे जो है ट्रू फॉल्स नॉट गिवन। आई नो इट्स क्वाइट ट्रिकी, बच्चों को ये जो क्वेश्चन टाइप है बहुत तंग भी करती है, तो आज हम देखेंगे कि इसको हमें कैसे करना चाहिए, क्या स्ट्रेटजीज है, क्या गलतियां करते हो, और इवन मैं आपको कुछ एग्जाम्पल भी दूंगा जो आप खुद करेंगे और मुझे बताएंगे इसका आंसर क्या आया है। चलें फिर शुरू करें। बिफोर आई स्टार्ट लेट्स सी व्हाट आर द स्ट्रेटजीज टू हैंडल ट्रू फॉल्स एंड नॉट गिवन। ट्रू फॉल्स नॉट गिवन को कैसे करना चाहिए, ऑलवेज रीड द क्वेश्चन फर्स्ट। सबसे पहले हम क्वेश्चन पढ़ेंगे, हमेशा हम क्वेश्चन को पहले पढ़ेंगे। अगर हम पहले पैसेज पे चले जाएंगे तो क्या होगा, हमारा टाइम वेस्ट हो जाएगा, वो रीडिंग में हमारे पास वेस्ट करने के लिए टाइम है ही नहीं, नहीं है हमारे पास टाइम। तो हम क्या करेंगे, क्वेश्चन को पढ़ेंगे, उसकी डिमांड को समझेंगे, उसके बाद हम क्या करेंगे, कीवर्ड मार्क करेंगे। कीवर्ड क्यों मार्क करने, कीवर्ड इसलिए मार्क करने हैं क्योंकि टेक्स्ट इतना ज्यादा टेक्स्ट है तो कहाँ ढूंढेंगे हम आंसर को, तो वहां से ढूंढने के लिए क्या करते हैं, कीवर्ड को मार्क करते हैं। लेकिन एक बात ध्यान रखने वाली है, कीवर्ड से आंसर नहीं ढूंढने, कीवर्ड से अगर आप आंसर ढूंढोगे तो आपके आंसर हमेशा गलत होंगे। आंसर कहाँ छुपे हुए हैं, डिमांड में जो हमने पहले ढूंढी थी, ना कि कीवर्ड में। ठीक है, अब हमें कीवर्ड मिल गए, हम टेक्स्ट को फटाफट से पढ़ेंगे, जहां हमें कीवर्ड या उसका सिनोनिम मिल जाएगा वहां पर हम स्लो हो जाएंगे, उसको ध्यान से पढ़ेंगे। और जो हमारी डिमांड थी और जो टेक्स्ट ने स्टेटमेंट दे रखी है, अगर दोनों एक ही बात कर रही है तो आंसर हो जाएगा ट्रू, अगर वो अपोजिट बात कर रहे हैं तो आंसर हो जाएगा फॉल्स। इन केस हमें डाउट है कि ये क्या कहना चाह रहे हैं तो आंसर क्या हो जाएगा हमारा, नॉट गिवन। अब डाउट 1% है चाहे 99% है, हर केस में आंसर नॉट गिवन ही होने वाला है। जरा सा भी डाउट है तो आंसर क्या हो जाएगा हमारा, नॉट गिवन। चलिए क्वेश्चन को देखें, ये आ गया हमारा पहला क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन क्या कह रहा हमें, 19th सेंचुरी स्टडीज ऑफ जीनियस लैक बोथ ऑब्जेक्टिविटी एंड अ प्रॉपर साइंटिफिक अप्रोच। करें 19th सेंचुरी में जो स्टडी हुई थी जीनियस की, उसके अंदर दो चीजों की कमी थी, दो चीज लैक कर रही थी, वो कौन कौन सी, ऑब्जेक्टिविटी और प्रॉपर साइंटिफिक अप्रोच। ना तो उनके पास ऑब्जेक्टिविटी थी और ना ही क्या थी, प्रॉपर साइंटिफिक अप्रोच। ठीक है, अब अगर तो दोनों चीजें लैक कर रही, आंसर हो जाएगा ट्रू, अगर दोनों चीजें लैक नहीं कर रही आंसर हो जाएगा फॉल्स। अगर हमें पता ही नहीं लग रहा उस स्टडी में ये चीजें थी कि नहीं थी, डाउट है हमारे पास, तो आंसर क्या हो जाएगा, नॉट गिवन। ये होता है डिमांड। क्वेश्चन को शुरू करने से पहले हमें माइंड में ये चीज रख लेनी है, हाँ भाई कहाँ ट्रू होगा, कहाँ फॉल्स होगा, कहाँ पे होगा ये नॉट गिवन। चलिए अब हमने ये देख लिया, अब हम चलेंगे पैसेज के ऊपर और देख, और हमारा कीवर्ड क्या है इसके अंदर, 19th सेंचुरी, जहां 19th सेंचुरी आएगा वहां पे स्लो हो जाएगी। लो जी, अब हम सेकंड पैराग्राफ पर पहुंचे थे तो उसके शुरू में ये आ गया था 19th सेंचुरी। अब 19th सेंचुरी के बाद काफी बड़ा पैराग्राफ है, ठीक है, अब बीच में यहाँ पे मैंने डॉट डॉट लगा रखे ना, यहाँ पे बहुत सारी लाइंस थी लेकिन उसका इससे कोई मतलब नहीं था, इसलिए मैंने उनको स्मॉल कर दिए। तो ठीक है, पढ़े हम। अब हमने क्या ढूंढना है, 19th सेंचुरी तो हमारे पास आ गई है, देखना है कि जो जीनियस है स्टडी की, जो जीनियस की जो स्टडी है, इसमें ऑब्जेक्टिविटी और प्रॉपर साइंटिफिक अप्रोच थी भी कि नहीं, राइट। द 19th सेंचुरी सॉ कंसिडरेबल इंटरेस्ट इन नेचर ऑफ जीनियस एंड प्रोड्यूस नॉट अ फ्यू स्टडीज ऑफ फेमस प्रोडिजीज, हाउएवर द डिफिकल्टी विद एविडेंस प्रोड्यूस्ड बाय दीस स्टडीज दैट दे आर नॉट व्हाट वी वुड टुडे कॉल नॉर्म रेफरेंस, इन अदर वर्ड व्हेन फॉर इंस्टेंस। अब क्या होता है, इतना बड़ा पैराग्राफ उसके बाद आता है तो बच्चों को लगता है कि इतनी जल्दी तो आंसर आ जाना चाहिए था ना, 19th सेंचुरी तो कब का आ गया, अब तक नहीं आया, तो वो क्या करेंगे, यहाँ पे जो ना थर्ड लाइन के अंदर लिखा हुआ है दे आर नॉट नॉर्म रेफरेंस्ड, नॉर्म रेफरेंस समझ में नहीं आएगा, या तो इसको ट्रू कर देंगे भाई नॉर्म रेफरेंस यही चीज होगी, या फिर इसको कर देंगे फॉल्स के, तो नॉर्म रेफरेंस की बात करें इसकी तो बात ही नहीं होनी, ऐसे नहीं करना है हमें, अब वही वर्ड मिलने चाहिए, नहीं मिलेंगे तो नॉट गिवन कर दो। लेकिन आगे पढ़ते रहो उसको, है ना, देखो आप इसको आगे पढ़ते जब लास्ट में जाओगे ना, बिल्कुल लास्ट में, कितनी लाइनों के बाद, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 14 15 लाइनों के बाद बीच में डॉट डाल रखे, इसके और लाइंस भी होंगी, इतना बड़ा पैराग्राफ है, इसमें पैराग्राफ तो पूरा पढ़ना ही पड़ेगा। ठीक है, अब देखो जब लास्ट में पहुंच जाते हो तो वहां पे क्या लिखा हुआ है, इट वॉज ओनली विद द ग्रोथ ऑफ पेडियाट्रिक्स एंड साइकोलॉजी इन द 20th सेंचुरी दैट स्टडीज कुड बी कैरीड ऑन ऑन अ मोर ऑब्जेक्टिव स्टिल नॉट ऑलवेज वेरी साइंटिफिक बेसिस। तो वो क्या करें, 20th सेंचुरी जाके हुआ था कि स्टडी ऑब्जेक्टिव और साइंटिफिक हुई थी, इसका मतलब 19th सेंचुरी के अंदर क्या थी, स्टडी साइंटिफिक नहीं थी, तभी 20th सेंचुरी हुई। देखो 19th सेंचुरी हमारा कीवर्ड है, 19th सेंचुरी बता रहे हैं ये था ये था ये था, लेकिन उन्होंने बताया ही नहीं कि ऑब्जेक्टिविटी और प्रॉपर साइंटिफिक अप्रोच है कि नहीं है। अब क्या हो रहा था हमारे इस बेसिस पे, आंसर हो रहा था हमारा नॉट गिवन। लेकिन जैसे वो 20th सेंचुरी पर जाते हैं तो कहते हैं 20th सेंचुरी में क्या आ गया हमारे पास, ऑब्जेक्टिविटी और साइंटिफिक बेसिस, इसका 20th सेंचुरी में आ गया, इसका मतलब पहले नहीं था, तो हमारा जो वो कह रहा है लैकिंग थी, दोनों चीजें हमारी पूरी हो रही है बिकॉज दे केम इन 20th सेंचुरी। तो आंसर क्या होना चाहिए हमारा, ट्रू, राइट, लेट्स सी व्हाट्स द आंसर, आंसर इज ट्रू। चलो एक और क्वेश्चन करके देखते हैं फटाफट से। अ ट्रू जीनियस हैज सेवरल, सॉरी, अ ट्रू जीनियस हैज जनरल पावर्स कैपेबल ऑफ एक्सीलेंस इन एनी एरिया। कह रहे जो एक
जीनियस बंदा होगा, उसके अंदर ऐसी पावर होगी जनरली, वो किसी भी एरिया में एक्सेलेंट हो सकता है। मतलब अगर कोई जीनियस बंदा है तो जरूरी नहीं है कि वो साइंस में जीनियस है तो मैथ में नहीं होगा, वो मैथ में है तो म्यूजिक में नहीं होगा। मतलब जो जीनियस बंदा है वो हर काम में जीनियस हो सकता है, ये कह रहे हैं ना। लॉजिकली तो ये बात सही नहीं लग रही, लेकिन हमने अपना दिमाग नहीं लगाना है, हम चलेंगे पैसेज के हिसाब से चलेंगे, ठीक है राइट। अब हमने क्या देखना है, ट्रू जीनियस और एक्सेलेंस इन एनी एरिया। तो हम क्या करेंगे इसका, हमारा कीवर्ड क्या होने वाले हैं, एक्सेलेंस इन एनी एरिया। ओके, सो जीनियस इज अ टर्म वी अप्लाई टू दोज हुम वी रिकॉग्नाइज फॉर देयर आउटस्टैंडिंग अचीवमेंट एंड हु स्टैंड नियर एंड द कंटिन्यूम ऑफ ह्यूमन एबिलिटी व्हिच रीचेस बैक थ्रू मंडेन एंड मीडियोकर टू इनकैपेबल। There is still much truth in Dr. Samuel Johnson's observation that true genius is, okay, true genius आ गया हमारा, true genius, तो हमारा true genius मिल रहा है। The true genius is a mind of large general power मिल रहा है, और सारे सारे वर्ड मिलने शुरू हो गए हैं। Accidentally determined to some particular direction, आपने देखना कि उस हर एरिया में एक्सीलेंट हो सकता है कि नहीं हो सकता है। We may disagree with the general for we doubt if all mentioned genius could have become scientists of genius or vice versa, but there is no doubting the accidental determination which nurtured in triggered their gift into those channels into which they have poured their powers so successfully. इसका मतलब क्या है, हमें इसका डाउट तो है। लुक व्हाट इज ही सेइंग, वी मे डिसएग्री विद द जनरल फॉर वी डाउट इफ म्यूजिशियन ऑफ जीनियस कुड बिकम साइंटिस्ट ऑफ जीनियस। करेंगे म्यूजिशियन साइंटिस्ट बनेंगे कि नहीं बनेंगे, ये हमारे पास पक्का नहीं है, ये हमारे पास पक्का नहीं। जबकि ऊपर वो क्या कह रहा था कि ए ट्रू जीनियस हैज जनरल पावर, वो कैपेबल है। यहां पे वो कह रहा है कि ये जरूरी नहीं है हमारे लिए कि वो बनेंगे बनेंगे। तो क्या हो गया आंसर हमारा, अपोजिट फिर आंसर बनना चाहिए हमारा, फॉल्स। सो हियर इज आवर आंसर व्हिच इज फॉल्स। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, लेट्स मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन 22। द स्किल्स ऑफ ऑर्डिनरी इंडिविजुअल्स आर इन एसेंस द सेम एज स्किल ऑफ प्रोडिजी। कह रहे जो आम लोगों के अंदर भी वही स्किल होते हैं जो जीनियस के अंदर होते हैं, कि आम लोगों के अंदर भी वो स्किल है, वो पॉसिबिलिटीज हैं जो प्रोडिजीज के अंदर हैं। चलो फिर बढ़े आगे। तो हमने क्या देखना, ऑर्डिनरी इंडिविजुअल की जहां पे बात हो रही होगी वो हमारे कीवर्ड हो जाएगा। व्हेन व्हाट वी अप्रिशिएट एंड एंजॉय और मार्वल एट द वर्क ऑफ जीनियस और इन द अचीवमेंट प्रोडिजीज आर द मैनिफेस्टेशन ऑफ स्किल्स और एबिलिटीज व्हिच आर सिमिलर टू बट सो मच सुपीरियर टू अवर ओन। कह रहे भाई जो स्किल है उनके वो क्या है, हमारे से सुपीरियर हैं। तो इससे तो आंसर हमारा क्या लग रहा है, फॉल्स। पर आगे पढ़ लेते हैं क्यों, क्योंकि आगे कई बार क्या होता है ना, बट या हाउएवर वैसे वर्ड यूज कर रखे होते हैं, जैसे वो आएंगे तो आंसर बिल्कुल चेंज हो जाएगा। बट दैट देयर माइंड्स आर नॉट डिफरेंट फ्रॉम अवर्स इज अवर ओन इज डेमोंस्ट्रेटेड बाय द फैक्ट दैट हार्डवेन डिस्कवरीज ऑफ साइंटिस्ट। लो भाई देखा, कहा था ना आपको कि शुरू में वो कुछ और कहेंगे बाद में बदल जाएंगे। अभी बट वर्ड से क्या हो गया, उन्होंने आंसर चेंज कर दिया, जो पहले आंसर हमारा फॉल्स बन रहा था, बट के बाद वो कह रहा है कि उनके माइंड हमारे डिफरेंट नहीं होते। तो इसका मतलब क्या हो गया, इसका आंसर क्या बन जाएगा, ट्रू। ठीक है, क्यों, क्योंकि पहले उन्होंने इसके फॉल्स वाली बात की, फिर बट के बाद उन्होंने उस बात को चेंज कर दिया, तो हमारा आंसर क्या बन जाना चाहिए यहाँ पर, ट्रू। लेट्स सी आंसर क्या है इसका, ट्रू इज द आंसर। चलिए अब आगे देखें, नेक्स्ट क्वेश्चन। द ईज विद विच ट्रूली ग्रेट आइडियाज आर एक्सेप्टेड एंड टेकन फॉर ग्रांटेड फेल्स टू लेसन देयर सिग्निफिकेंस। कह रहे कि जो बड़े बड़े आइडियाज हैं उनको जैसे जितने आसानी से हम एक्सेप्ट कर लेते हैं, है ना, टेकन फॉर ग्रांटेड, जब इसकी परवाह नहीं करते हम, लेकिन इसका ये नहीं कि उससे जो उनकी सिग्निफिकेंस है, जो उनकी इंपॉर्टेंस है वो कम हो जाती है। तो अगर तो क्योंकि ये तो देखो ये बात तो है कि जो ग्रेट आइडिया है उनको एक्सेप्ट कर लेते हैं और ग्रांटेड ले लेते हैं, क्या उससे उनकी इंपॉर्टेंस कम होती है? अगर तो उससे उनकी इंपॉर्टेंस कम होती है फिर तो हो जाएगा फॉल्स। अगर फेल्स टू लेसन द सिग्निफिकेंस, अगर इंपॉर्टेंस कम नहीं होती है तो आंसर रहेगा इसका ट्रू, अदरवाइज क्या होगा, नॉट गुड। अब ये एक आंसर है जो आपने निकालना है और मुझे बताना है। हियर इज योर पैराग्राफ, इसको पढ़ो और मुझे बताओ इंपॉर्टेंस कम हो रही है कि नहीं हो रही है। अगर इंपॉर्टेंस कम हो रही है तो आंसर होगा फॉल्स, ध्यान से सुन लो। अगर इंपॉर्टेंस कम हो रही है उनकी तो आंसर होगा फॉल्स, अगर इंपॉर्टेंस कम नहीं हो रही है तो आंसर होगा ट्रू, और उसकी बात ही नहीं हो रही तो आंसर क्या होगा, नॉट गुड। ठीक है, आप नीचे कमेंट सेक्शन में मेरे को बताना कि क्या आपका आंसर है, और वो लाइन भी बताना जहां से आपने इसका आंसर निकाला, राइट। एक नहीं दो क्वेश्चन दूंगा मैं आपको खुद करने के लिए, ठीक है। लेट्स सी द सेकंड क्वेश्चन। जीनियसेस ऑफन पे अ हाई प्राइस टू अचीव ग्रेटनेस। कह रहे जो जीनियस लोग हैं उनको बहुत बड़ी प्राइस पे करनी पड़ती है ग्रेटनेस को पाने के लिए। अगर तो बहुत ज्यादा बड़ी प्राइस पे करते हैं तो आंसर है ट्रू, अगर वो बहुत बड़ी प्राइस पे नहीं करते तो आंसर है फॉल्स। अगर पता ही नहीं लग रहा कि वो प्राइस पे कर रहे हैं कि नहीं कर रहे तो आंसर क्या हो जाएगा, नॉट गुड। पढ़ो और मुझे बताओ आपका क्या इसका आंसर है, और वो लाइन भी लिखना नीचे जिससे आपका ये आंसर आया।
आई होप कि आप इस वीडियो को देखने के बाद आपके ट्रू फॉल्स नॉट गिवन के सारे डाउट क्लियर हो गए होंगे, ठीक है। तो बिफोर आई एंड दिस वीडियो, प्लीज इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि YouTube और लोगों तक इस चैनल को फैलाए, और कमेंट करके बताओ कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा या बुरा लगा, अच्छा लगा तो क्यों अच्छा लगा, बुरा लगा तो क्या चीज़ है जो हम इम्प्रूव कर सकते हैं ताकि हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर उसको लेके आए। तब फिर नेक्स्ट वीडियो तक आई विल टेक लीव फ्रॉम यू, हैव अ नाइस डे अहेड, बाय बाय।